एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड केम इनटू फोर्स इन 1948 एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द गैट दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर WTO, देखिए यूरोग्वे राउंड हुआ जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का एंड इट वॉज कंक्लूडेड इन 1994 विद माराकेश ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंड दिस ट्रीटी लेड टू द फाउंडेशन ऑफ WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 दैट रिप्लेस दी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फर्स्ट राउंड इसका WTO का दोहा में स्टार्ट हुआ 2001 में, दोहा राउंड, एंड इट इज़ येट टू कम्प्लीट। हेडक्वार्टर WTO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप इसको याद रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट डिफरेंस आपको समझना है WTO एंड जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि GATT जो था वो एक ट्रीटी था, बट WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है। GATT had no dispute settlement mechanism, but WTO do has settlement mechanism. इसके स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे WTO का, तो आपको उसमें क्लियर होगा कि कैसे ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। इनफैक्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के वजह से ही जो कि दैट वॉज लैकिंग इन द GATT दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ WTO। और WTO एक बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद मैनी ट्रेड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अभी आगे के लेक्चर्स में आपको अच्छे से और क्लियर होते जाएगा। तो GATT जो था डैट वॉज एसेंशियली कंसर्न्ड विद ट्रेडिशनल ट्रेड इशूज दैट इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इशूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। WTO हैज़ मच मोर एक्सटेंसिव कवरेज, जैसे कि मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ें WTO में कवर होता है। GATT हैड स्मॉल सेक्रेटेरिएट विद नो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन, वेल WTO हैज फुल फ्लेज्ड सेक्रेटेरिएट एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO। सबसे पहला गाइडिंग प्रिंसिपल WTO का है दैट ट्रेड शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब आप समझिए कि फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ बींग इम्पोर्टेड बाई एनी कंट्री शुड रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एज डोमेस्टिकली सोर्स्ड वन। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया कोई अगर किसी फॉरेन प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करता है, डोमेस्टिकली भी अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जैसा ट्रीटमेंट हम उसे इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देते हैं, तो सिमिलर ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग शुड बी रिसीव टू दी फॉरेन प्रोडक्ट दैट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड बाई इंडिया फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज। तो ये सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट ट्रेड शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज ट्रेड बैरियर। देखिए हर कंट्रीज़ कुछ ना कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल रिजीम में। WTO का रिजीम है कि दैट ट्रेड बैरियर शुड बी डिसमेंटल और रिड्यूस्ड सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी फ्री। नेक्स्ट इज डेवलपिंग कंट्रीज शुड रिसीव प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सी डेवलप्ड कंट्रीज आर एट द बेटर एज दैन द डेवलपिंग कंट्रीज, देयरफॉर टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज शुड रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रेड। ये प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या है अभी आगे की एक स्लाइड में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ द WTO को काफ़ी अच्छे से समझिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि किसी एक कंट्री को अगर कोई दूसरा मेंबर कंट्री WTO का कोई अगर प्रेफरेंशियल या फिर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, तो दैट स्पेशल ट्रीटमेंट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द WTO। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लाइक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर फ्री ट्रेड, फ्री FTA इज अलाउड एंड नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द सम एक्सेप्शंस इन द मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखिए एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन मींस व्हाट डायरेक्ट, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज नेशनल ट्रीटमेंट। हमने इसकी पहले भी बात की कि देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। WTO फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन वोट एंड वन वैल्यू। नेक्स्ट इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सी डेवलपिंग कंट्रीज रिसीव प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इन द WTO फ्रेमवर्क। प्रेफरेंशियल टर्म्स अब क्या है कि आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा अभी। नेक्स्ट इज गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ द WTO। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ द WTO क्या है, तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। इट इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द WTO। इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट इज जनरल काउंसिल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। हमने बात की थी कि WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, तो दिस इज़ द बॉडी जनरल काउंसिल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डैट परफॉर्म्स डे टू डे वर्क टास्क एंड ऑल्सो एड्रेसेस द ट्रेड रिलेटेड ग्रेवांसेस। ऑल्सो मीट्स एज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टू अंडरटेक ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट इज काउंसिल्स ऑफ ट्रेड।
There are three councils: Council for the Trade in Goods, Council for the Trade in Trips, that is trips is related with the intellectual property rights. अभी आगे के स्लाइड्स में आपको अच्छे से क्लियर होगा. नेक्स्ट इज Council for the Trade in these services. So there are three councils for goods, for services and for the trips. These councils work under the General Council. Next is Director General. See, Director General of the WTO is the head of WTO and he is elected by the Ministerial Council for 4 year. You remember this term, 4 year, very important. Next is chronology of the WTO trade negotiations. 1996 mein first ministerial conference in Singapore led to the birth of Singapore issues kya hai aap utne detail mein mat jaiye, exam bhi want se bas aap itna Singapore issues 1996 would be suffice. 2001 mein Doha development round started and it is yet to conclude. 9th ministerial summit in Bali 2013, very important. 10th ministerial Nairobi, 11th ministerial Argentina in 2017. Next is the WTO agreement. See, WTO agreement हमने देखा कि three council हैं, TRIPS, trade and services. Services is related to general agreement on trade and services. Goods में tariff related agreements, non tariff related agreements, and then TRIP is intellectual property rights. Next is agreement on the agriculture. See, agreement on agriculture is aimed to remove trade barriers and to promote transparent market access and integration of the global market. It has three pillars, that is domestic support, export subsidies and market access. Domestic support refers to domestic subsidies that government provide to farmers. Therefore, these subsidies are grouped into three classes or three boxes, very important from the exam viewpoint. Har bar exam mein, har alternate year karke ye boxes se related questions aaye hain. Aapse exam mein pooch lega green boxes related to what, to aap wahan pe WTO agar hua to wahan pe aap tick karenge. या फिर कभी कभी टेक्निकल डिटेल्स में भी पूछ लेता है कि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंदर बॉक्स इज रिलेटेड विद व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग और नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग. तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा. सबसे पहले ग्रीन बॉक्स है. सी, ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडीज इंक्लूडेड है, देर आर नो लिमिट्स एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, मनी डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड. ग्रीन बॉक्स में कोई भी इशूज़ नहीं है WTO में. मेजर इशूज़ जो है सब्सिडीज़ में, that is related with the amber box subsidies. अभी आगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों amber box में इतना dispute है. तो green box में आप याद रखेंगे कि जो भी subsidies government ने include कर रखा है, there are no limits and they can be there are no limits on the subsidies that is given under the green box because they are not considered as trade distorting. These subsidies must be government funded, very important point. They are not directed against any particular products unlike MSP and they may include इनकम सपोर्ट. नेक्स्ट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडीज. अंबर बॉक्स हम इसके बाद देखेंगे. ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम एंड ऑल्सो देर इज नो लिमिट ऑन द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज. नेक्स्ट इज अंबर बॉक्स सब्सिडीज, वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल अंबर बॉक्स बिकॉज अंबर बॉक्स सब्सिडीज आर कंसिडर्ड टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज. सी, इट कवर्स ऑल द डोमेस्टिक सपोर्ट दैट इज गिवन बाई द government to the farmers. They are required to be maintained within 5-10% of the production value. See, this 5-10% is very controversial. Even 10% are the limits set by the WTO that government can provide to the farmers, and that also at the value that also at the 1985 level. जैसे कि मान लीजिए कि जो भी 1985 में जो भी production level था US का या India का, तो उसके उस प्रोडक्शन लेवल पे जो 10% 5% है वो डेवलप कंट्रीज लाइक US कैन प्रोवाइड सब्सिडीज एंड इंडिया 10% लाइक एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया 10% कुड बी प्रोवाइडेड एज सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट. लेकिन ये जो 5% एंड 10% जो ये सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ये 1985 लेवल के प्रोडक्शन लेवल पर बात की जा रही है. मतलब आज से 1985 में जो भी प्रोडक्शन लेवल था उसके बेसिस पे उसको बेस ईयर मान करके बस उससे ही हम 5% डेवलप कंट्रीज सब्सिडीज दे सकती है एंड 10% डेवलपिंग कंट्रीज दे सकती है. सो 1985 में और आज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. प्रोडक्शन लेवल ऑफ इंडिया इज़ क्वाइट हाई नाउ कंपेयर टू 1985 लेवल एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ इन द WTO रेजिम एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द अंबर बॉक्स बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग. Developed countries feel that the subsidies that is given by the developing countries under the amber box is distorting trade and against the WTO regime. But
here the but here the argument that is given by the developing countries like India that the amber box subsidies are not trade distorting, in fact they are the security given to the farm. India argues that it is not trade distorting, in fact it is providing the security. Therefore subsidies that is given to the farmer for the security of life should not be covered under amber box, and this is the major point of contention between the developing countries like India and developed countries like US and Europe. तो आप बस एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना याद रखेंगे कि एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडीज दे रखे देने का अलाउ दे रखा है दैट इज़ 5% फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. एम्बर बॉक्स इज कंसिडर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड अगेंस्ट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड ऑल द डोमेस्टिक प्रोजेक्ट डोमेस्टिक सपोर्ट एंड सब्सिडीज दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अंडर द एम्बर बॉक्स. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज. See, agriculture export subsidies are limited by developed countries either in value or volume terms so that international prices are not lowered below a point and export and domestic markets of the developing countries are not priced out. This Nairobi ministerial in 2015 decided to phase them out. Bas do point aap yaad rakhenge ki export subsidies by the developed countries are limited so that international prices are not below a certain point and export and domestic support of developing countries are not phased out. नेक्स्ट इज बॉक्स सिस्टम. हमने भी देख लिया ग्रीन बॉक्स नॉन और लीस्ट मार्केट डिस्टॉर्टिंग दैट इज डायरेक्ट इनकम एंड आर एंड डी सपोर्ट दैट इज गिवन अंडर द ग्रीन बॉक्स. नेक्स्ट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडीज दैट सपोर्ट द फार्मर्स एंड एट द सेम टाइम्स लिमिट प्रोडक्शन. एम्बर बॉक्स इट इज कंसिडर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो नीड टू बी कर्व्ड. नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस. मीन्स मार्केट एक्सेस इन द WTO मीन्स all member countries should open their domestic market to agricultural imports by reduction of tariff and removal of non-tariff barrier. So members should take tarification, that is to convert non-tariff barrier to tariff and bind their tariff to agree to a limit that is bounded rate and not increase the rate beyond them. Next is special product. See, special product in the WTO agreement means that these are the agricultural products of particular important farming communities in developing countries for the reasons of good food security, livelihood security and rural development. And the Doha round it was decided that special product would attract lower levels of tariff reduction commitment so as to protect and enhance the livelihood and food security in the domestic economy. Special product regime is a component of WTO special and differential provisions and is available only to the developing members of the WTO. Very important point, you need to keep this in mind that a special product regime is available only to the developing members of the WTO. Next is a special safeguard mechanism. See, special safeguard mechanism is trade defense mechanism to counter the volatility of international commodity prices. It is available to all developing countries and least developing countries. Because special safeguard mechanism jo hai, it is available to all developing and least developed countries to protect its market, domestic market. And they do so by increasing the tariff, import tariff. कि होता क्या है कि मान लीजिए कि domestic में कोई product जो है उसकी खेती ख़राब हो गई है. For example कि India में किसी product की खेती ख़राब हो गई, farming ख़राब हो गई, product ख़राब हो गया है, जितना production आना चाहिए था उतना production नहीं आया है. But that same product अगर बाहर से import हो रहा है and that also in heavy amount, तो वॉट विल हैपन इज कि उसकी जो प्राइसेस है दैट विल बी वेरी लो एंड कंपेयर टू द फार्मर्स इन इंडिया हु हैज सफर्ड अ लॉट ड्यू टू फार्म लॉस विल सफर बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन द लो मार्केट प्राइसेस, दे कैन नॉट स्टैंड कॉम्पिटिटिव. तो सच काइंड ऑफ प्रोविजन्स आर देयर दैट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कैन इम्पोर्ट अंडर द स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म इंक्रीज द टैरिफ टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक मार्केट. Next is TRIP agreement. See, it is a legal standard to protect intellectual property by way of copyrights, geographical indication, industrial design, integrated circuit layout, patents, monopolies. ये अभी क्या है ये सारे terms, ये सारे keywords या terms अभी आगे के slide में आपको अच्छे से clear हो जाएगा. तो TRIPS agreement आप समझिए कि it is related with the intellectual property right. एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ट्रिप अग्रीमेंट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो वहाँ पे अगर WTO होगा तो उसको टिक करेंगे या फिर डीप में जाएगा कि तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक करेंगे. तो टाइप्स ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सबसे पहला हमारा है पेटेंट. सी, पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर न्यू यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन एंड इट गिव्स पेटेंट होल्डर एक्सक्लूसिव राइट
टू कमर्शियली एक्सप्लॉयट द इन्वेंशन एंड इट इज़ टिपिकली फॉर द 20 ईयर पीरियड। सी 20 साल तक जो पेटेंट अगर किसी इन्वेंशन के लिए दिया गया है तो दैट पेटेंट होल्डर विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज दिस कमर्शियली एक्सप्लॉयट दैट इन्वेंशन फॉर 20 ईयर टाइम और अदर कंपनीज इंडस्ट्री कैन मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट फॉर द इनिशियल 20 ईयर्स अंटिल द पर्सन सेल्स दैट पेटेंट राइट टू द अदर थर्ड पार्टी। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज गिवन फॉर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक वर्क लाइक बुक्स म्यूजिक नॉवेल्स एंड इट ऑल्सो गिव्स द एक्सक्लूसिव राइट टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन एंड अडैप्शन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्जाम भी पॉइंट से आप इतना याद रखें कि कॉपीराइट जो है ये क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए दिया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूसिव राइट। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। सी इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव साइन विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द डिफरेंट बिजनेसमैन। ट्रेडमार्क हर कंपनीज का अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। सी इट प्रोटेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अपेयरेंस स्टाइल और डिज़ाइन ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेटेंट इज इंसेंटिव टू द इनोवेटिव आइडियाज एंड इन्वेंशन एंड देयरफॉर इट अलाउज टू सस्टेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टू काइंड्स ऑफ पेटेंट्स आर ग्रांटेड दैट इज फॉर द प्रोसेस एंड दैट इज ऑल्सो एंड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेटेंट मीन्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन वेयर एज प्रोसेस पेटेंट मीन्स गिव प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए होता क्या था कि पेटेंट मिलने के बाद कुछ कंपनीज क्या करती थी कि उस प्रोसेस से ना जा करके दूसरे प्रोसेस से जा करके सेम प्रोडक्ट बना देती थी। तो इस वजह से प्रोसेस पेटेंट भी लाना पड़ा एंड प्रोडक्ट पेटेंट भी लाना पड़ा कि एक बार अगर उसको पेटेंट मिल गया तो दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस थ्रू अदर प्रोसेसेस एंड प्रोसेस पेटेंट मिल गया तो दैट इज़ प्रोवाइडिंग दिस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन कि इस मेथड से आप जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडर ट्रिप्स ओनली प्रोडक्ट पेटेंट्स एंड नॉट प्रोसेस पेटेंट अवॉर्डेड फॉर फूड फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब एक ही निकलता है कि सेफगार्ड्स हैव बीन बिल्ट इन द ट्रिप्स अग्रीमेंट एंड दी सेफगार्ड्स आर कॉल्ड पैरेलल इंपोर्ट्स एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग। सी पैरेलल इंपोर्ट एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से समझिए। पैरेलल इंपोर्टेशन इज इंपोर्टेशन ऑफ ड्रग एट लोअर प्राइस टू मीट द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। इसका आप मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए US के किसी कंपनी को किसी ड्रग से एड्स से रिलेटेड ड्रग से अगर कुछ पेटेंट मिल गया एंड द कंपनी इज़ नॉट विलिंग टू प्रोवाइड दैट मेडिसिन फॉर द लोअर प्राइसेस तो इन दैट केस दैट कंट्री कैन डू पैरेलल इम्पोर्ट दैट इज़ द इम्पोर्टेशन ऑफ ड्रग्स एट लोअर प्राइसेस टू मीट द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। दिस इज द सेफगार्ड दैट हैव बीन गिवन अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट। नेक्स्ट सेफगार्ड इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सी कंपल्सरी लाइसेंसिंग मीन्स गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फेसिंग हेल्थ क्राइसिस कैन आस्क फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री एट कंसेशनल प्राइस एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग से जो है जेनरिक कॉपीज बनाने का प्रोडक्ट पेटेंट का बनाने का हमें परमिशन मिलता है एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली विद कंपनसेशन पेड टू द पेटेंट होल्डर। देखिए इसका लाने का रीज़न क्या था, होता क्या था कि जब कुछ किसी दवा को पेटेंट मिल जाता था बट दे आर वेरी हेफ्टी एंड वेरी हाई प्राइस तो फिर इंडिया में ना उसकी जेनरिक कॉपीज़ बना लिया करते थे तो दैट वाज फिर वो केस कोर्ट केस हो जाता था WTO में। तो बहुत सारे प्रोविजंस एंड लॉज फिर उसके बाद इप्स एंड बट होते थे तो दैट इज़ वही ये सेफगार्ड लाया गया कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग मतलब जेनरिक कॉपीज़ अब बना सकते हैं उस पेटेंट का एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली और कंपनसेशन जो पेटेंट होल्डर है उसको दिया जाता है एंड इट कैन ओनली बी डन व्हेन द कंट्री इज़ फेसिंग द हेल्थ क्राइसिस। सो अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग दे कैन आस्क फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एट कंसेशनल प्राइस। तो ये दो सेफगार्ड्स आप ध्यान रखेंगे WTO का। नेक्स्ट इज एंटी काउंटरफिटिंग ट्रेड अग्रीमेंट। सी इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एनफोर्समेंट एंड द पर्पज इज़ टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज सुई जनरस सिस्टम। सी सुई जनरस सिस्टम अंडर ट्रिप्स मीन्स जनरेटिंग बाई इटसेल्फ। ट्रिप्स मीन्स दे कैन प्रोटेक्ट इन्वेंशंस ईदर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्स पैटर्न ऑफ पेटेंट और एनी अदर इंडिजिनस सिस्टम। दिस इज द सुई जनरस। नेक्स्ट इज GI दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन। सी देर आर सम गुड्स दैट ओ देयर प्रॉपर्टीज लाइक स्पेशल क्वालिटी ऑफ रेप्यूटेशन टू अ रीजन इन विच दे ऑरिजिनेट एंड दे आर नर्चर्ड। सच प्रोडक्ट्स आर गिवन GI। It is used to identify agricultural, natural or manufactured products. The number of benefits that GI confers, very important one. See, they confer the legal protection, they prevent the unauthorized use, it provides legal protection to
GI, which in turn boosts export and it promotes the economic prosperity of the producers in a geographical territory. GI is generally not awarded to an individual. It is given for a period of 10 years and may be renewed for another 10 years. GI prevents spurious goods from entering the market. It helps maintain the quality and there is greater accountability. I hope आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो आप न्यूज़पेपर में इनकाउंटर करते हैं कि GI टैग आज तिरुपति बालाजी के लड्डू को मिला, फिर बंगाल के रसगुल्ला को मिला, तो इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. सी अंडर WTO द एम इज़ टू सेट कंस्ट्रेंट ऑन मेंबर्स स्टेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी. जैसे कि अंडर द फूड सेफ्टी रिजीम ऑफ द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑफ द WTO, जापान ने इंडियन मैंगोज को लेने से मना कर दिया था ऑन द हाइजीन इशू. तो दीज आर द रिजीम्स दैट इज फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द WTO, अंडर विच मेंबर स्टेट पॉलिसीज हैव टू मेंटेन फूड सेफ्टी एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट हेल्थ अबाउट द इम्पोर्ट्स अबाउट इम्पोर्टेड पेस्ट्स एंड डिजीजेज. तो आप ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. सी इट सेट्स द रेगुलेशन दैट गवर्न ट्रेड इन सर्विसेज अमंग द WTO मेंबर्स एंड देर आर फोर मोड्स ऑफ सप्लाई. फर्स्ट मोड इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई. क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में सर्विसेज जो है दैट इज डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर. नेक्स्ट मोड इज कंजम्पशन इज अब्रॉड. सी सर्विसेज आर डिलीवर्ड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द मेंबर इन द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर टू अ सर्विस कंज्यूमर ऑफ द मेंबर. इसका एग्जाम्पल आप समझिए BPO. इंडिया जो है सर्विस प्रोवाइड करती है US की कंपनी को और वो जो सर्विस प्रोवाइड है जो यूरोप में सेटअप है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है. इंडिया इज अ थर्ड पार्टी एंड यहाँ पे दो कंट्री हैं दैट USA की कंपनी है उसको सर्विस डिलीवर करना है यूरोप में. बट दैट सर्विस इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड डायरेक्टली बाय द USA. इट इज़ बीइंग डिलीवर्ड बाय द टेक्नीशियंस एंड हु आर वर्किंग एंड एम्प्लॉयड अंडर द एम्प्लॉयड इन थर्ड कंट्री दैट इज इंडिया. तो मोड वन एंड मोड टू से आप एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे कि सर्विस सप्लायर इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर. जैसे कि हमने सेकेंड वाले मोड में देखा कि इंडियन जो यहाँ पे हैं वो इंडिया में रह के ही जॉब कर रहे हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट इन द USA टू प्रोवाइड सर्विस टू द यूरोप. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. थर्ड मोड इज़ कमर्शियल प्रेजेंस. सी सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर थ्रू द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ द सप्लायर. मतलब कि जो सेकेंड मेंबर है उसका वहाँ पे कमर्शियल प्रेजेंस होना वहाँ पे ज़रूरी है. जैसे US की कोई कंपनी इंडिया में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसका कमर्शियल प्रेजेंस इंडिया में होना ज़रूरी है. थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन. सी फॉर सर्विस बीइंग डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर एंड विद दैट सप्लायर नीड्स टू बी प्रेजेंट एज अ नेचुरल पर्सन. इसका एग्जांपल आप समझिए टूरिज्म. जैसे इंडिया जो है वो USA के किसी कंट्री मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वो सर्विस को एंजॉय करने के लिए दैट US पर्सन इज प्रेजेंट इन द इंडिया. सो दिस इज द फोर्थ मोड ऑफ द सर्विस. मोड थ्री दैट इज कमर्शियल प्रेजेंस एंड मोड फोर दैट इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन. इन दिस द पर्सन नीड्स टू बी प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर कंट्री दैट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस. नेक्स्ट इज सेफगार्ड ड्यूटी. सी अंडर WTO रिजीम सेफगार्ड इज यूज टू रीस्टेन इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रोटेक्ट सर्टेन होम इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन लाइक डंपिंग सब्सिडी डेट अट्रैक्ट काउंटर वेलिंग ड्यूटी. जैसे कि मान लीजिए चाइना क्या करता है कि अपने चीप प्रोडक्ट्स को जानबूझकर डेलिबरेटली इंडिया में या फिर किसी कंट्री में डंप करना स्टार्ट करता है ताकि उसके डोमेस्टिक मार्केट को ठप करके अपना उसके डोमेस्टिक मार्केट को कैचअप कर सके. तो इसलिए कुछ सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड किए गए हैं ताकि डोमेस्टिक मार्केट को दैट कंट्री कैन प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम दी कोलैप्सिंग एंड दैट इज़ द सेफगार्ड ड्यूटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द WTO रिजीम. तो उसी सेफगार्ड में काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया जाता है. काउंटर वेलिंग ड्यूटी का आप मतलब समझिए तब इम्पोज करते हैं जब डेलिबरेटली कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करके और अपने एक्सपोर्ट को चीप करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो उस सब्सिडीज को एंटी सब्सिडीज को रोक तो उस सब्सिडीज के खिलाफ दैट इज़ एंटी सब्सिडीज दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई दी इम्पोर्टिंग कंट्रीज. तो उसके खिलाफ हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं. इट इज़ दी एंटी सब्सिडीज टू काउंटर दी सब्सिडीज दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाई दी कंट्री. एक पॉइंट आपको याद रखना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज रिकमेंड्स द ड्यूटी बट फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्पोजेज इट. सिमिलरली एंटी डंपिंग इज डन. डंपिंग का मतलब है कि इट इज़ सेलिंग
सेलिंग एट लेस देन दी फेयर वैल्यू। जैसे चाइना क्या, जैसे एग्जाम्पल में चाइना क्या करता है कि उसके जो 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 प्रोडक्ट है वो उससे बहुत ही चीप प्राइस पे वो डंप किसी कंट्री में डंप कर देता है टू ऑक्यूपाई दी डोमेस्टिक मार्केट ऑफ दैट कंट्री। तो उसके खिलाफ जो हम लगाते हैं ड्यूटी, दैट इज़ द एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अंडर WTO डंपिंग इज प्रोहिबिटेड इफ इट कॉजेज और थ्रेटन्स टू कॉज इंजरी टू अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड लाइट ड्यूटीज इनिशिएट्स द इम्पोजिशन ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखिए दोहा राउंड है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, या फिर बाली पैकेज है, तो या फिर हु सेड व्हाट। तो दीज आर रिटन इन द वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज। आप इस सारे PDF को एक्सेस करके पढ़ लेंगे। देर इज़ नथिंग मच टू डील, देर इज़ नथिंग वेरी कॉन्सेप्चुअल हियर। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून। थैंक यू।